इमोशनली आप कितने स्ट्रांग है चेक कब होगा? जब आपका किसी ने अपमान किया, जब आप प्रतिष्ठित हो और पोजीशन पे हो, आप अथॉरिटी हो, फिर भी आपकी मनमानी के विरुद्ध कोई अगर ओपिनियन दे और वो भी मीटिंग में दे और मीटिंग में सब मेंबर्स उनको सपोर्ट करे, वेदर इट इज प्री प्लान्ड और स्पॉन्टेनियस, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट स्टोरी। उस वक्त आपकी अंदर की हालत कैसी बनती है वो आपके एटीट्यूड पे निर्भर होगा। इफ माय ओपिनियन वर्क्स, आई एम हैप्पी टू वर्क। इफ माय ओपिनियन डज नॉट वर्क, somebody else's opinion prevails, I am more happy to work. तो ही महान बन पाओगे। स्टीफन कोवी ने यही बात लिखी है, द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पुस्तक लिखा, जो सबसे प्रसिद्ध मैनेजमेंट बुक है। उसके बाद उन्होंने एक और अच्छी बुक लिखी है, द एइथ हैबिट। उसका सब टाइटल है फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस, असरकारकता से महानता तरफ। उसमें यही बात लिखी है। स्टीफन कवी आए थे भारत, 5 दिन रुके ये बुक की प्रमोशन के लिए, 4 सेमिनार किए, एक सेमिनार 700 से 1000 लोगों ने अटेंड किया, एक डेलीगेट फीस 23,000 रुपये की थी। मुंबई में ओपनिंग हुआ, ओबेरॉय में फंक्शन था, 700 सीट्स थी, 24 घंटे पहले ई टिकट ओपन हुई और 86 सेकेंड्स में, 1 मिनट एंड 26 सेकेंड्स में 700 डेलीगेट्स ने पैसे भर दिए पूरे भारत में से, क्योंकि नाम तो बड़ा था स्टीफन कोवी। 6 घंटे के सेमिनार में 5.5 घंटा सेमिनार मैनेजर्स और वीडियो ने चलाया, आधे घंटे के लिए ही सिर्फ स्टीफन कोवी मंच पे आए थे। आधे घंटे में 10-12 बार में एक वाक्य बार बार बोलते थे, वही वाक्य को, वही सेंटेंस को बॉक्स आइटम बना के दूसरे दिन DNA न्यूज़पेपर में पूरी आर्टिकल छपी थी। इफ यू हैव नॉट अटेंडेड यस्टरडे स्टीफन कोवी सेमिनार, यू कैन रीड दिस आर्टिकल, इट इज इक्वली गुड इन द थॉट प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग द होल सेमिनार। और अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने का समय ना हो तो ये बॉक्स आइटम आप पढ़ लेना। ये बॉक्स आइटम में जो बात लिखी है, दैट वॉज द सेंटेंस दैट स्टीफन कोवी टॉक्ड अगेन एंड अगेन, परहैप्स मोर देन 10 टाइम्स इन हिज हाफ एन आवर ऑफ फिजिकल प्रेजेंस अपॉन द स्टेज। और वो क्या था? डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, फर्स्ट चेंज योर सेल्फ, अदर्स विल फॉलो। वो व्यक्ति मुझे अनुकूल हो वो बाद में सोचना, पहले कौन सी जगह पे मैं उनको अनुकूल हो सकूं वे पहले आप सोचे। दिस इज स्पिरिचुअलिटी इन मैनेजमेंट, उपनिषद में ये बात है। ऑल क्रेडिट्स टू स्टीफन कोवी ये विचार के हिसाब से, लेकिन ये विचार हमारे उपनिषद में है। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, आई एम कोटिंग स्टीफन कवी नॉट जस्ट वर्ड टू वर्ड बट लेटर टू लेटर। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, फर्स्ट चेंज योर सेल्फ टू सूट अदर्स एंड देन अदर्स विल फॉलो। तो एटीट्यूड ये रखना है काम करने की, मुझे सब कोई अनुकूल हो तो देखो मैं कैसा काम कर पाता हूं, वो एटीट्यूड नहीं है, गलत है। आप अपनी टीम को अनुकूल होके सबके पास अपनी एनर्जीज डेवलप करके टीम वर्क बढ़ा के कैसा काम कर सकते हैं, वही सफलता है। तो दैट कम्स इन एटीट्यूड। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, अदरवाइज एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग अदर्स टू चेंज। हमारे गुणातीतानंद स्वामी ने 200 साल पहले लिखा है क्या, कि अगर मैं जिस तरह से समझ रहा हूं ऐसा ही सब समझे तो बहुत अच्छा। तो प्रमुख स्वामी ये सिखाते थे कि थोड़ा गम खाना, मतलब बड़ा मन रखना, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना, इंसल्ट्स या डिसरिगार्ड्स हो तो उस वक्त जरा स्थिर रहना, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। यू आर नॉट चेक्ड बाय योर परफॉर्मेंसेस, यू आर चेक्ड बाय हाउ यू हैंडल्ड फेलियर्स। फॉर्च्यून 500 के बारे में तो आपने सबने सुना है ना, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, उसमें से कहीं CEOs को मैं मिला हूं, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में हम मंच पे साथ में रहे हैं। अभी 2 साल पहले शिव खेरा और हम लोग साथ में थे, बहुत अच्छी बातचीत वार्तालाप हम मंच पे बैठे तब हुआ था। बड़े बड़े CEOs को मैंने पूछा है, मल्टीनेशनल कंपनीज के CEOs को,
कि द पर्सन टू हुम यू आर पेइंग मोर देन 10 crore rupees पर एनम इन सैलरी, व्हाट डू यू आस्क देम इन देयर इंटरव्यूज? तो एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने मुझे पूछा था कि स्वामी दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम आस्क दिस, कभी हमने ये नहीं सोचा था. मैंने बोला कि क्योंकि कहीं एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी एनुअल तनख्वाह है 50 crore 100 crore. मैं जागृत अवस्था में बोल रहा हूं. मैंने इनको पूछा, इनकी एमएनसी की टर्नओवर थी 2.5 lakh crore की. हम दिल्ली में एक फंक्शन में साथ में थे, मंच पे बैठे थे. मैंने उनको पूछा कि दोज एग्जीक्यूटिव्स हुम यू पे मोर देन 10 crore or 25 crore, उनको इंटरव्यू में आप पूछते क्या हो? क्योंकि उनके पास डिग्रीज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ही इज अ डबल एमबीए फ्रॉम एलएससी और हार्वर्ड, एकेडमिक्स तो पूछना नहीं है. इतनी बड़ी तनख्वाह देते हो तो वो 10-15 साल का अनुभव तो है उसको. 10-15 साल में उसने 50,000 crore 1 lakh crore मैनेज किए हैं, हर साल टर्नओवर किया है, ऐसी कंपनीज में ही बड़ी बड़ी पोजीशंस में वे रहे हैं. तो उनको नेटवर्किंग में पूछना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में पूछना नहीं है, एचआर में पूछना नहीं है, मैनेजमेंट में पूछना नहीं है, ग्रोथ के बारे में आपकी क्या सोच है वो पूछना नहीं है. आप पूछते क्या हो उनको इंटरव्यू में? उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि स्वामी जी, इन कक्षा के लोगों को जिनको हम ये प्रकार की तनख्वाह देते हैं उनको इंटरव्यू में एक ही प्रश्न पूछते. आई वॉज लाइक वेरी सरप्राइज्ड. मैंने बोला एक ही प्रश्न पूछते हो कहा? और उनका उत्तर वे 20-25 मिनट तक देते हैं, तभी उत्तर पूरा बनता है. दैट वॉज मोर सरप्राइजिंग. आई सेड व्हाट डू यू आस्क? ही सेड हम एक ही प्रश्न पूछते और ये पूछते हैं, डिस्क्राइब अ बिग फेलियर इन योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट. प्रश्न क्या पूछते हैं इन कक्षा के लोगों को? डिस्क्राइब अ बिग फेलियर इन योर लाइफ. आपके परफॉर्मेंस के बारे में हमें कुछ पूछना नहीं है कि मैं पहली कंपनी में था वहां 200% सेल बढ़ा दिया, दूसरी कंपनी में था वहां 500% ग्रोथ कर दिया, वो हमें नहीं सुनना है. वो था है. आप लोग सब जो यहां बैठे हो, जो इंटरव्यू वाले देने आए हो, जिनको हम ये तनख्वाह देने वाले, सबके पास ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस स्टोरीज है, ये कॉमन है. ये हमको नहीं पूछना है. पूछना क्या है? डिस्क्राइब अ बिग फेलियर ऑफ योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट. सिंपल. परफॉर्मेंस से आपका कैलिबर का टेस्टिंग नहीं होता. वो तो किसी को भी चांस मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो कूद लेता है. हाउ डिड यू हैंडल फेलियर? हाउ डिड यू हैंडल अ सेटबैक? हाउ डिड यू हैंडल अ फॉल इन योर लाइफ? दैट इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि अब रूटीन में जब हमारी अगर आप हमें अगर हमने आपको हायर कर लिया, रूटीन में हमारी कंपनी चलती होगी तो आप तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए नहीं वाले हो, लेकिन कंपनी में अगर बड़ी आफत आ गई तो आप क्या करोगे वो बताओ. बाकी तो आपकी जगह और कोई भी ये कंपनी चला जाएगा. Isn't it a very important question? उसमें वो मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने मुझे बताया कि स्वामी इसके उत्तर में उसको 20-25 मिनट हम देते हैं और उसमें भी हम ये जांच करते हैं कि किस प्रकार के विचार और प्रैक्टिसेस उसने अप्लाई किए वो साइड में रखते हैं, किस प्रकार के एटीट्यूड्स उसने उस वक्त रखे उस पे हम गौर रखते हैं. व्हाट वी सी इन हिज आंसर इज नॉट व्हाट ही थॉट ड्यूरिंग फेलियर, नॉट प्रैक्टिकल्स व्हाट ही अप्लाइड टू कम आउट ऑफ दैट फेलियर. व्हाट वी सी इज व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड ही केप्ट व्हेन ही वाज अ फेलियर, व्हेन ही मेट फेलियर इन हिज लाइफ. तो महान लोग ये परिस्थिति में इस प्रकार के एटीट्यूड रखते हैं. तो इसमें यह बात आती है गम खाने की. यह बहुत बड़ा विचार जो प्रमुख स्वामी महाराज ने दिए उसमें कई प्रकार के ऐसे अर्थ आ जाते हैं. दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ लाइफ.